मैं हूँ मिसेस प्रिया सिंह एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 8 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब तक हमने लगभग चैप्टर को कवर कर लिया था। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि इरिगेशन क्या होता है, यानी सिंचाई क्या होती है, उसके टाइप्स एंड मेथड डिस्कस किए थे। हमने ये देखा था कि इरिगेशन में दो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आपने देखा था कि इसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स होते हैं जो जिसमें यूज किया जाता है, कैसे इरिगेशन किया जाता है। इरिगेशन में हमने दो टाइप्स देखा था, जिसमें एक तो था आपका मॉडर्न मेथड और दूसरा था ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आपने देखा था कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, उसको इरिगेट करते हैं फसल को, जिसमें आपका राहत, मोट, ढेकली और बहुत सारे टाइप्स जो थे वो अवेलेबल थे। फिर हमने मॉडर्न मेथड देखा था। मॉडर्न मेथड में आपने स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम देखा था। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, उसमें फवारे की तरह स्प्रिंकल्स लगे होते हैं जो पूरे एक ही साथ पूरे खेत को क्या कर देते हैं, इरिगेट कर देते हैं। जबकि ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है वो वाटर जो होता है प्लांट्स तक पहुंचता है। तो इस तरीके से ये दो मेथड जो है हमने स्टडी किए थे इरिगेशन। फिर हमने देखा था कि इरिगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वाटर लॉजिंग क्या होती है, वीडी साइट्स क्या होते हैं। हमने देखा था वीडिंग, जिसमें अनवांटेड प्लांट जो होते हैं वो क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं और उनको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें हमने केमिकल मेथड देखे थे, बायोलॉजिकल मेथड देखे, मैकेनिकल मेथड भी देखा था। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लास्ट 4 स्टेप बच जाते हैं, जिसमें आपका आता है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड स्टोरेज। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल उगने के बाद फसल जब पक जाता है तो उसको काटना जरूरी होता है। ठीक है, तो जनरली ये काम फार्मर्स क्या करते हैं, पहले के टाइम पे तो ये काम मैनुअली होता था, यानी हाथों की मदद से होता था, लेबर वर्क लगता था, टाइम लगता था, जिसमें सिकल यानी हसिये की सहायता से जो किसान होते थे वो फसल को काटने का काम करते थे। आज के टाइम में बड़ी बड़ी मशीनें अवेलेबल्स हैं, ठीक है ना, जिसकी मदद से थ्रेशिंग का काम किया जाता है और इसके लिए जो मशीन यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है, इजिली फसल को या क्रॉप्स को काटने में क्या कर देता है, मदद करता है और लेबर वर्क बचाता है, टाइम बचाता है, मेहनत भी बचाता है लोगों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग में बोला गया है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ग्रेन्स को चाफ से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग जरूरी होता है ताकि हम लोग जो है ग्रेन्स को उनके छिलके या उनके अनवांटेड पार्ट से क्या कर सके, अलग कर सके। जो थ्रेशिंग का काम होता है वो भी पहले मैन्युअली किया जाता था, हाथों की मदद से किया जाता था, जिसमें पहले के लोग क्या करते थे, बंडल बंडल होते थे उसको लेके और उसको पीटने का काम करते थे, जिससे ग्रेन्स जो थे उनके चाफ से अलग हो जाते थे। आजकल इस काम के लिए फिर से मशीनें आ चुकी हैं, इसमें जो मशीन थ्रेशिंग का काम करती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशर कहते हैं। और इसमें जनरली जो मशीन यूज होती है उसमें कंबाइन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो थ्रेशिंग का काम आसानी से करता है। फिर हम बात करते हैं विनोइंग की। विनोइंग क्या होता है, वे द प्रोसेस इन फार्मर सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम चाफ बाय ड्रॉपिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड बाय द यूज ऑफ ब्लोइंग विंड। यहाँ पे हवा के इस्तेमाल से, विंड के इस्तेमाल से, जब विंड तेज होती है तो जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स को सूपे में ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हिलाते हैं, जिससे हवा के बहाव में जो भी जो लाइटर चाफ होते हैं वो निकल के दूर डिस्टेंस यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं जो हैवी होते हैं वेट में वो नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं। इस तरीके से क्या किया जाता है, ग्रेन्स को चाफ से अलग किया जाता है। तो ये भी एक ऐसा मेथड है जो फार्मर्स के द्वारा अपनाया जाता है ऑन अ स्मॉल स्केल। ठीक है, लास्ट जो है थ्रेशिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, विनोइंग हो गया, उसके बाद जो मेन मेथड आता है दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स या सीरियल्स फ्रॉम द पेस्ट, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स या फिर बैक्टीरियाज।
अब आपको भी पता है कि जो ग्रेन्स होते हैं जो बड़े ज्यादा अमाउंट में होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक उनको अगर हम रखेंगे तो उन पे भी फंगस ग्रो कर सकता है, इंसेक्ट्स उनको खा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, रोडेंट्स घूमते हैं वो भी उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसी प्रोटेक्शन के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। अब स्टोरेज की बात कर ले तो स्टोरेज में दो तरीके आते हैं, एक तो आता है ड्राई मेथड एंड दूसरा होता है कोल्ड मेथड। स्टोरेज के बारे में देख लेते हैं। स्टोरेज में दो मेथड आते हैं, एक तो आता है आपका ड्राई स्टोरेज और दूसरा आता है कोल्ड स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज में ऐसे ग्रेन्स आते हैं जिनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है, जो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं हो सकते हैं। ऐसे ग्रेन्स को जनरली धूप में सुखाया जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। इनको स्टोर करने के लिए भी दो तरीके हैं, लार्ज स्केल पे भी स्टोर किया जाता है और स्मॉल स्केल पे भी स्टोर किया जाता है। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो स्मॉल स्केल के लिए या कह सकते हो नॉर्मल तरीके से हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए आप वहां पे जूट बैग्स का मेटालिक बीन्स में स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ड्राई स्टोरेज के दूसरे तरीके की बात करूं तो इसमें दूसरा जो आता है दैट इज लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में आप ये कह सकते हैं कमर्शियल लेवल पे, जहां पे कमर्शियली मार्केट में उसको बेचने के लिए या किसी तरीके से स्टोर करना होता है लॉन्ग टाइम तक, तो इसमें जो जनरली जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें आ जाते हैं गनी बैग्स, सिलोस एंड ग्रेनरीज। ग्रेनरीज जो होते हैं फूड ग्रेनरीज होते हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, इनमें क्या कहते हैं फूड को ज्यादा अमाउंट में लार्ज अमाउंट में स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की। कोल्ड स्टोरेज जो होता है इसमें ऐसे ग्रेन्स आते हैं, ऐसे फूड आइटम्स आते हैं जो लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं किए जा सकते और जिनको लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। इसमें आप जनरली कह सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूडेड होते हैं, तो ऐसे फूड आइटम्स को हम जनरली किस में स्टोर करके रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, हिंदी में कहते हैं पशुपालन। अब पशुपालन से मतलब क्या होता है, जब भी हम अपने फायदे के लिए, जब भी हम अपने वेलफेयर के लिए हम किसी एनिमल को पालते हैं, पोसते हैं, उसका ख्याल रखते हैं ताकि हमें उससे फायदा हो सके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन। आप देख सकते हैं द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल, और ये काम किस पे किया जाता है, लार्ज स्केल पे किया जाता है, बहुत ही बड़े स्तर पे किया जाता है, जिसको एज अ बिजनेस पर्पज के लिए भी किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। लाइफ स्टॉक क्या समझते हैं, लाइफ स्टॉक जो होता है उन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को बोला गया है लाइफ स्टॉक, जो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फाइबर एंड लेबर, ठीक है ना, भोजन के लिए, ठीक है, या फिर रेशे के लिए, या फिर आप उनसे काम करवाने के लिए जब भी किसी पशु का इस्तेमाल करते हैं तो उन पशुओं को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्टॉक कहते हैं। और इसमें जनरली हम लोग जिन एनिमल्स का ज़्यादा इस्तेमाल लेते हैं, जैसे कि कैमल हो गया, काऊ हो गए, बफेलोज हो गए, ठीक है, और चिकन हो गया, हनी बीज हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सारे जो एनिमल्स होते हैं इनको हम लोग लाइफ स्टॉक कहते हैं, और इनकी केयरिंग करना, इनकी डोमेस्टिकेशन जो होती है वो क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कहलाती है। अब पशुपालन में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, कुछ ब्रांचेज इसमें डिस्कस किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्मिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चिकन्स को, फाउल को या डक को क्या किया जाता है, केयर किया जाता है, रखा जाता है, उनकी ग्रोथ करवाई जाती है ताकि उनसे हमें एग्स या मीट जो है वो ऑब्टेन हो सके। तो जनरली आप देख सकते हैं द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग बर्ड्स लाइक चिकन, डक्स एंड फाउल इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। सेकेंड जो हम बात करते हैं दैट इज एपिकल्चर। एपिकल्चर जो है उसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन, और इसमें जनरली जो हनी बीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, रियर किया जाता है, यानी उनकी देखभाल की जाती है ताकि उनसे हमें क्या मिल सके, हनी मिल सके। तो द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपिकल्चर।
नेक्स्ट जो हम बात करते हैं पीसी कल्चर की, पीसी कल्चर क्या कहलाता है? द ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसी कल्चर। इसमें आप फिशेज जो होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। यानी जब आप फिश की रियरिंग करते हैं, हैचिंग करवाते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं ताकि उससे आपको लार्ज स्केल पे क्या मिल सके, फायदा मिल सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन ब्रांचेस हैं, और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जैसे सेरिकल्चर हो गया, लैक कल्चर हो गया, जिससे हम लोग एनिमल से कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो लेते रहते हैं, उससे अर्निंग बढ़ती है, उससे हमारा फायदा हो सके। अब जनरल सी बात है कि एनिमल से बहुत सारी चीजें ऑब्टेन होती है, एग हो गया, मीट हो गया, उनमें बहुत सारे प्रोटीन एंड विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए या किसी भी ह्यूमन बॉडी के हेल्थ के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट टॉपिक जो था वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड था। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। रह गई बात हिंदी मीडियम की, तो इनके लिए नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगी जो इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।